दोस्तों ये रही 2023 की लेटेस्ट मॉडल रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 का हेल्सियन ब्लैक कलर सिंगल चैनल ABS में। इस बाइक में क्या क्या फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं, माइलेज और टॉप स्पीड कितने तक जाती है और इसकी ऑन रोड कीमत कितनी है, सारी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को आप लास्ट तक पूरा जरूर देखना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाइक के फ्रंट लुक से। तो हेडलाइट के दोनों तरफ आपको छोटे छोटे दो हेलोजन पायलट लैंप देखने को मिलते हैं जो कि हेलोजन में दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको क्रोम का वाइजर मिल जाता है जिसमें मेटल का यूज किया गया है। और बाकी यहाँ पर आपको 60x55W का हेलोजन बल्ब मिलता है और इसकी जो हेडलाइट है वो आपको लो बीम और हाई बीम के साथ मिलती है। सबसे अच्छी बात ये है कि जो बुलेट 350 स्टैंडर्ड वगैरह आती है उसके मुकाबले इसकी जो हेडलाइट का जो थ्रो है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है नाइट में यूज करने के लिए। क्रोम के यहाँ पर आपको हेलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं जिसमें हैजार्ड का भी कंपनी ने यूज किया गया है। अभी मैं इंजन को यहाँ से बंद कर देता हूँ। आगे वाले मडगार्ड को अगर आप देखेंगे तो सेंटर में आपको थोड़ा सा मैरून और दोनों तरफ आपको हैंडमेड गोल्डन कलर की यहाँ पर आपको लाइनिंग देखने को मिलती है जो स्टैंडर्ड 350 में आपको मोस्टली देखने को मिलती है। साइड में ग्लॉसी ब्लैक कलर है। 41mm के टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल जाते हैं जिसमें 130mm का ट्रेवल और आगे में 300mm की डिस्क मिलती है जिसमें आपको वाइब्रे के कैलिपर मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको 190/19 का टायर मिलता है जो कि ट्यूब वाला, ये टायर ट्यूबलेस नहीं है। और 19 इंच का आगे में स्पॉक व्हील मिल जाता है जिसको तीली वाली तान बोला जाता है। अगर आप बाइक को साइड प्रोफाइल की तरफ से देखेंगे तो इसमें जो मोस्टली पार्ट्स हैं वो आपको क्रोम के देखने को मिल जाते हैं। और मेन बात तो ये है कि अगर बुलेट में क्रोम के पार्ट ना हो तो कोई मज़ा भी नहीं आता है बुलेट होने का। और यहाँ पर जो टैंक पैड आपको मिलता है ये है रबड़ का। बाकी यहाँ पर आपको सेंटर में रॉयल एनफील्ड का 3D में लोगो मिल जाता है गोल्डन कलर के साथ और ये इसका मैरून कलर का ग्राफिक्स है। ऊपर में भी आपको गोल्डन कलर का एक स्टिकर देखने को मिल जाए और 13 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया। बाकी इसके टूल बॉक्स के ऊपर में क्लासिक 350 का स्टिकर मिल जाता है। तो अभी मैं आपको इसके टूल बॉक्स को यहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इसी के अंदर में आपको कुछ अलग चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसा कि ये टूल बॉक्स ओपन हो चुका है। इसमें आपको और टूल किट मिल जाती है, बाकी फ्यूज वगैरह और यहाँ पर एक्साइड कंपनी की सीमा बैटरी आपको देखने को मिलती है। बाकी अगर आप चाहें तो दूसरा वाला जो बॉक्स है उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को भी कैरी कर सकते हैं जो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। इस बाइक का जो पेट्रोल टैंक है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मस्क्यूलर देखने को मिलता है। अगर आप इसके कलर को गौर से देखेंगे तो इसमें आपको चमकीले पार्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। 13 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है। बाकी इस बाइक की जो हैंडल बार है वो आपको फुल क्रोम बॉडी में मिलती है। यहाँ पर आपको इंजन के सेल्फ स्टार्ट मिलता है, नीचे में हैजार्ड का बटन। तो सबसे पहले मैं आपको इसके एग्जॉस्ट के साउंड को सुना देता हूँ। ये है इंजन का साउंड। अब जो स्टैंडर्ड 350 आती है उसके मुकाबले इसका जो साउंड है वो आपको एग्जॉस्ट का ज़्यादा पता चलेगा, इंजन का आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा। इसके जो मिरर हैं वो आपको थोड़े से क्रोम के साथ देखने को मिलते हैं फुल मेटल बॉडी के साथ। लीवर भी आपको काफ़ी मोटे मोटे मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड से काफ़ी अच्छे हैं। बाकी इसमें आपको सेमी डिजिटल कंसोल मिलता है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो GPS भी लगवा सकते हैं। यहाँ पर स्पीडोमीटर और लो फ्यूल ABS और लो बैटरी के साथ आपको हेडलाइट और गियर न्यूट्रल इंडिकेटर। यहाँ पर आपको छोटी सी डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको जो है वो फ्यूल गेज मिल जाता है, ओडोमीटर ट्रिप मीटर मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक बटन मिलती है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ट्रिप ए ट्रिप बी दिखा देता है। बाकी यहाँ पर आपको सर्विस रिमाइंडर मिल जाता है, इको इंडिकेटर मिल जाता है, क्लॉक भी मिल जाती है। ये बाइक 1 लीटर पेट्रोल में लोकल में आपको देती है 30 से 32 का माइलेज और हाईवे पर 35 से 40 का भी आप इससे माइलेज आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर पासिंग अपर डिपर इंडिकेटर हॉर्न। इस बाइक का जो कर्व वेट है वो है 195 kg जो कि अपने आप में काफ़ी भारी साबित हो जाती है। इंजन के ऊपर में रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग है, इसमें आपको किक नहीं मिलती है। बाकी ये जो फुटपैक्स आप देख रहे हैं ये भी आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, अगर आप चाहें तो इनको चेंज भी करके अलग टाइप के लगवा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये चौड़े वाले फुट पैक्स हैं, अगर आप चाहें तो इनको भी लगवा सकते हैं, जिनको लगवाने के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। और ये एयर फ्लाई वाला क्रैश गार्ड है। अलग अलग तरह के यहाँ पर आपको क्रैश गार्ड भी मिल जाते हैं, अगर आप चाहें तो इनमें से कोई भी क्रैश गार्ड लगवा सकते हैं। ये एलॉय व्हील हैं, लगभग मोटा मोटी शायद मेरे हिसाब से 14,000 के पड़ते हैं दो पीस। और ये इंजन गार्ड है, जबकि ये 3100 रुपये के आसपास पड़ता है। बाकी जो भी आप मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं।
इसके एग्जॉस्ट का ये जो वेंट पाइप अभी आप देख रहे हैं, ये ऊपर से आपको फ्लैट मिलता है, लेकिन ये जो बीच वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये है इसका कैटलिटिक कन्वर्टर, जिसके ऊपर में आपको एक मेटल की प्लेट भी मिलती है। पीछे में इसका एग्जॉस्ट आपको मिल जाता है, जिसमें भी आपको क्रोम का मफलर गार्ड दिया गया। देखने में ये जो है वो स्टैंडर्ड 350 से काफ़ी अच्छा है और प्रोटेक्शन भी काफ़ी अच्छे तरीके से करता है, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बाकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें वाइब्रेशन आपको कम देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें आपको ट्विन क्रेडल फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 349 cc का एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन है। ये इंजन 20.2 bhp की पावर देता है और 27 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो जाती है 125 से 28 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। अब जो बुलेट 350 नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है जून जुलाई के महीने के आसपास में, उसमें आपको सेम जे सीरीज वाला इंजन और ट्विन क्रेडल फ्रेम भी आपको देखने को मिलेगा। ये आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है क्लासिक 350 में। सीट के अंदर की जो कुशन है वो सॉफ्ट है, काफ़ी स्मूथ मिल जाती है। 800 mm की सीट हाइट मिल जाती है, जो कि 5.5 फिट वाले लोग भी आसानी से चला सकते हैं। इसके रियर में 6-स्टेप एडजस्टेबल प्री लोड सस्पेंशन और पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। पीछे में ABS नहीं दिया है। यहाँ पर 120/80/18 का टायर मिलता है। पीछे वाले टायर की मोटाई है 120 mm, जो कि अच्छी बात है, जो आपको स्टैंडर्ड 350 में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। इसकी जो टेल लाइट है वो आपको गोल मिलती है, जो कि LED में है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्रोम और क्रोम के हेलोजन टाइप के टर्न इंडिकेटर, पीछे भी रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है हैंडमेड गोल्डन कलर की लाइनिंग के साथ। ग्रैब हैंडल आपको मेटल बॉडी का दिया है। तो अब बात कर लेते हैं बाइक के दूसरे साइड प्रोफाइल की। तो यहाँ पर आपको मिलता है कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का साड़ी गार्ड, जिसको लेडी प्लेन की सेफ्टी और कंफर्ट के लिए दिया गया है। बाकी यहाँ पर आपको एक हैंडल मिल जाता है, जिससे आप बाइक को मेन स्टैंड पर खड़ा कर सकते हैं। ये है इसका दूसरा बॉक्स, इसको भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इस वाले बॉक्स में आपको ज़्यादा कोई स्पेस देखने को नहीं मिलता है, बस इतना सा मिल जाता है कि आप इसमें अपने बाइक की डॉक्यूमेंट को आसानी से कैरी कर सकते हैं। और दोस्तों, आज की डेट में जो स्टैंडर्ड 350 आ रही है उसमें बहुत सारी कमियां, जैसे कि उसका जो इंजन है वो 2-4 किलोमीटर चलाने के बाद ही हीट होने लगता है और वाइब्रेशन भी बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये मेटल बॉडी का है, और चेन जो है वो यहाँ पर इसके लेफ्ट में अटैच की गई है। इसमें 5-स्पीड कॉन्स्टेंट मेस गियर बॉक्स का सेटअप मिलता है। इंजन जो है वो आपको निकल क्रोम वाला मिल जाता है, जिसमें आपको पॉलिश भी आसानी से करानी पड़ेगी। बाकी साइड स्टैंड इंजन कटऑफ सेंसर का फीचर्स भी मिल जाता है क्रोम के साइड स्टैंड के साथ में। तो प्राइस की बात करें तो क्लासिक 350 हेल्सियन ब्लैक की ये जो बेस वाला मॉडल है, इसकी एक्सोरूम कीमत है 1,92,890 रुपये, ऑन रोड कीमत है 2,24,000 के आसपास। अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हैं तो वो आपको 2,30,690 का पड़ता है, और ये है सुपर मोटियोर 650। और रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 का अगर आप जो है वो स्टेल्थ ब्लैक लेते हैं तो वो आपको लगभग 2,51,000 की पड़ती है, और क्रोम वाला टॉप मॉडल लेते हैं तो वो आपको पड़ती है 2,55,000 के आसपास। कोलकाता बाइक जॉन रॉयल एनफील्ड शोरूम की मैंने आपको जानकारी बताई है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।